चली भारत जोड़ो यात्रा चली। कौन चले?
भाई कौन चले, भारत मां के वीर चले, कौन चले भाई कौन चले, भारत मां के वीर चले। Future is not one of ease or resting, but of incessant striving, so that we might fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. भारत जोडूया, भारत जोडूया, राहुल गांधी ना साथ देऊया, कन्याकुमारी ते काश्मीर ची यात्रा करूया, भारत जोडूया। नफरत, महंगाई, बेरोजगारी, इनकी अब एक न चलेगी। मंजिल छूने तक, देश जुड़ने तक अपनी यात्रा चलेगी।
अगस्त 1942 में 12 साल की थी, तब डू और डाई गांधी जी ने जो कहा था उस मुताबिक मैं और मेरी दो सहेलियां कॉलेज के सामने जाके नारे दिए तो हमको पकड़ा गया था। शाम तक 12 ही साल के थे करके शाम तक पकड़ के पुलिस चौकी में रखा और बाकी छोड़ दिया। लेकिन मेरे पिताजी, मेरा भाई 3.5 साल बेमुदत विदाउट टेकिंग हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ जेल में था, मेरे पिताजी जेल में थे। और देश की आजादी जो है इस तरह से मिली नहीं है आज जो कहा जाता है, उसके लिए बहुत सारे छोटे अमीर गरीब सब और सब धर्म के लोग उस समय गांधी जी के साथ खड़े रहे। और एक मानवीय जो शक्ति होती है वो शक्ति निर्माण होके अंग्रेजों के पास पूरे आयुध थे, लेकिन उनको यहाँ से हमने इस देश को छोड़ने के लिए बाध्य किया है। आज ये सब लोग जो कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे एक ही चाहिए कि मेरे देश का संविधान जो है उस संविधान की जो ये रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके बहुत साथ मरूंगी तो शांति से मरूंगी। वहाँ जो आप नहीं मरेंगे, आप जिंदा रखेंगे, संदेश दूंगी उनको, कहूंगी कि चिंता मत करो मेरे ये सब जो लोग हैं, ये सब लोग दीदी तुम्हारा नाम क्या, आपका सपना कभी भी तोड़ेंगे नहीं, ये मैं ऊपर कहूंगी। और इसीलिए मैं आज आप झेंडा फाल्या कामाचा जो घेऊन निघाला, हा झेंडा फाल्या कामाचा जो घेऊन निघाला, अर काट कुट वाट मंदी पोचती त्याला, रगत निघल तरी बी हसल शाबास त्याची, रगत निघल तरी बी हसल शाबास त्याची, तू चाल पुढ तुला रगड्या भीती कशाची, परवा भी तू नाचली, मन शुद्ध तुझ गोष्ट आहे, पृथ्वी मोलाची, पृथ्वी मोलाची, आ पृथ्वी मोलाची, मन शुद्ध तुझ गोष्ट आहे, पृथ्वी मोलाची, तू चाल पुढे तुला रगड्या कशाची, परवा भी तू नाची। निघाली हो निघाली भारत जोडो यात्रा, निघाली हो निघाली भारत जोडो यात्रा, निघाली निघाली हो निघाली भारत जोडो यात्रा, निघाली निघाली हो निघाली भारत जोडो यात्रा, निघाली। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको, और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी डी सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी,